वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स लाइव। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक माय टॉपिक इज कंप्यूटर्स मेमोरी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट वॉच दिस वीडियो। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज मेमोरी है, स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में, जहाँ पे हम लोग जो डाटा प्रोसेस्ड होता है, जो इंस्ट्रक्शन को जो प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं। प्राइमरी कंप्यूटर मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो वन बाय वन हम जानेंगे दोनों के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी उस डाटा को रखता है और इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता है जब तक कंप्यूटर वर्किंग होता है। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसके पास लिमिट में कैपेसिटी होती है और यह तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑफ ना हो जाए। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाती है तो डाटा यहाँ पे जो भी होती है सब इरेज हो जाते हैं। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमी कनेक्टर डिवाइस। यह सेमी कनेक्टर डिवाइस का बनाया जाता है। दीज मेमरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर। यह मेमोरी उतना फास्ट नहीं होता जितना कि रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक तरह का मेमोरी होता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस। डाटा और इंस्ट्रक्शन को का जरूरत होती है प्रोसेस करने के लिए रिसाइड इन द मेमोरी। मेमोरी में इंट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी। और प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम। बारी बारी से हम लोग जानेंगे रैम एंड रोम के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी से बहुत स्लो काम करता है। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इन मेमोरी का यूज डाटा को हमेशा के लिए सेव करने के लिए किया जाता है, स्टोर करने के लिए किया जाता है। CPU directly does not access these memories. जो CPU होता है इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। Instead they are accessed via input output routine. Contents of secondary memory are first transferred to main memory. सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं आपके मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से ट्रांसफर होने के बाद CPU इसको एक्सेस करता है। एग्जाम्पल के रूप में CD, ROM, DVD, ये सब पेन ड्राइव, ये सब का सेकेंडरी मेमोरी है। तो हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट मेन मेमोरी, तो दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। यह सेमीकंडक्टर का बना होता है। इट ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी, दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। यह मैग्नेटिक और ऑप्टिकल का बना होता है, ऑप्टिकल मेमोरी है। इसे ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, इसको बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी, और मेन मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। क्योंकि यह डाटा को इरेज कर देता है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि इस पे जो डाटा होते हैं, डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड। अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए फिर भी इसका डाटा डिलीट और इरेज नहीं होता है, ये हमेशा के लिए स्टोर करता है परमानेंटली, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी होता है। लेकिन यह जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज डाटा ऑफ द डाटा इन कंप्यूटर। इस सेकेंडरी मेमोरी को डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन प्राइमरी को यह वर्किंग कंडीशन में होता है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट काम करता है।
लेकिन कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, जो कंप्यूटर होता है, अगर कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो भी कंप्यूटर रन कर सकता है स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी से बहुत स्लो काम करता है। कुछ डायग्राम के माध्यम से मेमोरी के बारे में, यह है मेमोरी। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम के तीन पार्ट होते हैं पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ये आपके रोम के हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब रैम के दो होते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और एक होता है कैश मेमोरी, ये भी रैम के ही पार्ट होते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, तो डिस्क ड्राइव और टाइप ड्राइव, टेप ड्राइव। डिस्क ड्राइव के आपके हार्ड डिस्क हो गए, सीडी रोम हो गए और हो गए आपका फ्लॉपी डिस्क। अब सीडी रोम के दो होते हैं रीड ओनली और रीड राइट, रीड एंड राइट। तो ये था आपका मेमोरी का डायग्राम। हम जानते हैं रैम के बारे में, व्हाट इज रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा। रैम जो होता है सीपीयू का इंटरनल पार्ट होता है जो डाटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम और प्रोग्राम का रिजल्ट को स्टोर करता है। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, यहाँ रीड और राइट मेमोरी होता है विच स्टोर्स डाटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। यह डाटा को तभी तक रखता है जब तक मशीन चालू है, यानी कि कंप्यूटर चालू है। जैसे कंप्यूटर ऑफ, सारा डाटा इरेज्ड। एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही मशीन ऑफ होता है डाटा इज इरेज्ड, सारा डाटा डिलीट हो जाता है। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। डाटा स्टोर इन इट्स लॉस्ट व्हेन वी स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसमें के सारे डाटा डिलीट हो जाते हैं। इफ देर इज अ पावर फेलवर, अगर पावर फेल भी हो गया, पावर कट हो गया, हेंस अ बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस इज ऑफ्टन यूज्ड विद कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर में यूपीएस का यूज करना आवश्यक है ताकि बैकअप रहे और आपका डेटा इरेज ना हो। और रैम इज ऑफ टू टाइप, रैम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक रैम एस रैम और डायनेमिक रैम यानी कि डी रैम। तो स्टैटिक रैम की बात किया जाए तो द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड, हाउएवर डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर। एस रैम चिप यूज अ मैट्रिक ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। कहने का मतलब है द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स, जो वर्ड जो स्टैटिक है यह इंडिकेट करता है कि जो मेमोरी है रिटेन करता है इसके कंटेंट को। जैसे ही पावर का सप्लाई होता है डाटा लॉस्ट होता है जब पावर डाउन हो जाता है, और वोलेटाइल नेचर के कारण। एस रैम चिप में यूज किया था मैट्रिक ऑफ 6 ट्रांजिस्टर, यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है और यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं होता है। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, और ट्रांजिस्टर जो है वह पावर लीकेज को प्रिवेंट नहीं करता है। सो रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड, तो रैम एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है रेगुलर बेसिस पे। देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन अ मैट्रिक, मैट्रिक में एक्स्ट्रा स्पेस होता है, इसके कारण एस रैम यूज मोर चिप्स द देन डी रैम, यह ज़्यादा स्पेस यूज करता है डी रैम से। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द स्टोरेज स्पेस मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाइयर, एस रैम इज द दस यूज अ कैश मेमोरी एंड द हैज वेरी फास्ट एक्सेस, और एस रैम बहुत ही फास्ट एक्सेस करता है। डायनेमिक डी रैम, डी रैम अनलाइक एस रैम मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा, डाटा को मेंटेन करने के लिए इसको हमेशा रिफ्रेश करना होता है। दिस इज डन बाई प्लेसिंग द मेमरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द डाटा सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड, सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड को रिफ्रेश करना आवश्यक किया जाता है। डी रैम इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम, इसका यूज मोस्ट सिस्टम किया जाता है चीप और स्मॉल में। ऑल डी रैम आर मेड ऑफ मेमरी सेल, सारे डी रैम मेमरी सेल में होते हैं विच आर कम्पोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, इसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों होते हैं, जबकि एस रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों होते हैं।
अब बात करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड का सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, जो सीपीयू को स्पीड देता है। इट एक्ट्स एज द बटर बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। यह मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का काम करता है। यह काम करता है होल्ड्स करने का पार्ट्स ऑफ डाटा और प्रोग्राम विच आर मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। जो सीपीयू द्वारा मोस्ट यूज किया जाता है उसको यह होल्ड करता है। द पार्ट्स ऑफ द डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। द कैश मेमोरी ट्रांसफर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से डिस्क से, फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस देम। जब भी सीपीयू को एक्सेस किया जाता है तो रैम रीड ओनली मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट। इसमें सिर्फ केवल देख सकते हैं, उसमें राइट बदलाव नहीं कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली। इसमें इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लिखे स्टोर किए जाते हैं। इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, जब इसको बनाया जाता है, ए रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर स्टार्ट कंप्यूटर। इसमें स्टोर किया जाता है जिसको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज बूट स्ट्रैप। इसको बूट स्ट्रैप में रेफर किया जाता है। रोम चिप आर नॉट ओनली यूज इन कंप्यूटर। इसका यूज सिर्फ कंप्यूटर में नहीं किया जाता है, इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इन सब में इसका यूज किया जाता है रोम का। एम रोम मार्क्स्ड रोम, यह वेरी फास्ट रोम वर हार्ड वायर्ड डिवाइस दैट कंटेन प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा। इसमें पहले से प्रोग्रामिंग किए हुए डाटा रहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं। दिस काइंड ऑफ रोम आर नोन एज मार्क्स्ड रोम। इसको मार्क्स्ड रोम बोला जाता है। यह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर। ऐसा मेमोरी जिसको एक बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा नहीं। द यूजर बाइज अ ब्लैंक पी रोम एंड इंटर द डिजायर कंटेंट्स यूजिंग पी रोम। यूजर इसको खरीद करके इस पे ब्लैंक खरीद करके इसमें डिजायर्ड अपने कंटेंट को डाल करके इसको प्रोग्राम कर सकता है। इन साइड द पी रोम चिप देर आर स्मॉल फ्यूजेस विच आर बर्न ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इसमें छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जो प्रोग्रामिंग के वक्त ओपनिंग के बर्न हो जाते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस एंड इट इज नॉट इरेजेबल। एक बार इसमें प्रोग्रामिंग करने के बाद इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। ईपी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें आप इरेज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट इज अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 60 मिनट्स। 60 मिनट तक यूजली ईपी रोम इरेजर अचीव्स द फंक्शन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन अ इंसुलेटेड गेट प्रिजन। द चार्ज इज रिटेंड फॉर मोर देन 10 ईयर्स बिकॉज द चार्ज हैज नॉट लीकेज पाथ। बात करते हैं हम ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा मेमोरी होता है प्रोग्रामेबल एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। इसको मिटा करके फिर से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है 1000 टाइम। 10,000 टाइम इसको किया जा सकता है बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग। इट टेक अबाउट 4 to 10 मिनट मिली सेकेंड। इसमें आपका वक्त लगता है 4 से 10 मिली सेकेंड। इसमें वक्त लगता है इरेज करने और इसमें प्रोग्राम करने में। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टॉपिक आपका है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। तो बिट मींस होता है आपका बाइनरी डिजिट्स, जिसको 0 और 1 रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट या करेक्टर इक्वल टू 8 बिट, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, और 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट, और 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, और 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 एटाबाइट
और 1 यूटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। ये है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आपका वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? एक मेमोरी होता है जो मैनेज करता है टेक्निकल फॉर लेटरिंग प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट आउटसाइड ऑफ मेमोरी। दिस इज वेरी यूजफुल स्पेशली इज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम कैन नॉट फिट इन द फिजिकल मेमोरी। ये आपके कुछ दिए गए हैं यहाँ पे ड्राइव देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर न्यू फॉर माई चैनल देन सब्सक्राइब।